में चल रहा है जो चलने वाला है 4th May से 31st May तक। फिर टॉप को कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा टॉप अच्छा लगा। ओवर थिंक करता है इसलिए ये जिसने भी ये वाला मैसेज लिखा है ना उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। Hey guys, Geet here. Welcome to my channel Geet's POV. And आज ये वीडियो है मीशो टॉप्स हॉल और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इतने सारे टॉप्स ऑर्डर किए हैं मीशो से और सारे बहुत अच्छे हैं। इससे एक है जो मुझे फिट नहीं आया, बाकी सारे 10 के 10 टॉप एकदम सही है। मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देती हूँ वीडियो। सबसे पहले तो ये अपने ये कॉम्बो ऑफ टू था और ये मैंने मंगवाए हैं एक्सरसाइज करने के लिए घर में या नॉर्मल घर में पहनने के लिए मंगवाए हैं वाला। इसमें राउंड नेक है, स्लीवलेस है और ये इसका ये थोड़ा बड़ा है, लाइक बिल्कुल पतला स्ट्रैप नहीं है तो, और ये बिल्कुल एकदम आप साइड में देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से ये भी है, थिंक डिफरेंट। इसका मुझे मैसेज पसंद आया और इसमें बहुत सारे कॉम्बो थे, इतने सारे कॉम्बो अवेलेबल थे। इन्फर्नियम वीमेंस टी शर्ट कॉम्बो पैक ऑफ टू, कॉटन हाफ स्लीव्स राउंड नेक एंड 11 कॉम्बो अवेलेबल थे और डबल एक्सल है और ये है 366 रुपीज़ के दो पड़ गए मुझे, 366 में ये दो, नॉट ए बैड डील। अब बढ़ते हैं अपने इस टॉप की तरफ। ये गाइस ये मुझे फंसा ही नहीं, ओह माय गॉड, एक्चुअली ये आया था ये इसमें सिर्फ ये एक्सल में ही अवेलेबल था। हाँ एक्सेल है कि एल है, डबल एक्सेल था भी तो मैंने कहा एक बार मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, बट ये मुझे आया नहीं तो इसका ट्राई ऑन पार्ट आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगी और ये तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। और ये मैंने पता है क्या सोच के मंगाया था, मैंने सोच के मंगाया था कि ये साड़ी के साथ ब्लाउज की तरह पहन लूँगी। ये पीछे इसका नॉट है, मुझे पता नहीं वाइट कलर और नॉट वाली और पफ स्लीव ये सब मुझे देखते ही पसंद आ जाता है और मैंने साइज चेक किए बिना ही इसको मंगा लिया। डिसअपॉइंटेड। अब देखते हैं इसकी, ये तो रिटर्न ही करना पड़ेगा इसको। हेलिस्योर स्टेपलेस वीमेंस लॉन्ग स्लीव सॉलिड कलर ऑफ शोल्डर रफल 263 रुपीज़ कपड़ा एक्सेल में ही मिला मुझे और ये कॉटन है और इसमें एक ब्लैक कलर ऑल अवेलेबल था। पहले मैंने ब्लैक भी कार्ट में डाला था, फिर मैंने सोचा पहले वाइट मंगा के देख लेते हैं उसके बाद देखते हैं ब्लैक भी मंगा लूँगी, लेकिन वाइट में ही कार्ट हो गया तो मैंने छोड़ा, अच्छा हुआ मैंने ब्लैक नहीं मंगाया था। चलो एनीवे बढ़ते हैं आगे अपनी टॉप की तरफ। नेक्स्ट इज दिस अनदर ब्लैक टॉप। इसको मैंने ये देखो इसकी जो डोरी है ना पीछे से, इसको मैंने ये सोचे मंगाया था कि ब्लाउज की तरह दिखेगा और इसकी नेट के स्लीव्स है जैसे ब्लाउज में होती है और ये मुझे लगता है मुझको एक साइज कम मंगाना चाहिए था। ये मैंने डबल एक्सेल में मंगा लिया, आप साइड में देखो कैसे लग रहा है, इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है और ये थोड़ी सी लूज अच्छी नहीं लग रही थी। आई थिंक अगर ये थोड़ी और फिटिंग होती तो ये एकदम ब्लाउज वाली फीलिंग आती और ये डोरी और नेक मुझे ब्लाउज के हिसाब से छोटा लगा और टॉप के हिसाब से डोरी अच्छी नहीं लग रही थी तो इस ये मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। पहनने में थोड़ा बहुत ठीक लग रहा होगा लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। इसकी बात कर लेते हैं, ट्रेंडी पार्टी वेयर वीमेंस टॉप एंड ट्यूनिक्स ब्लैक डोरी लाइक्रा फैब्रिक है, लॉन्ग स्लीव्स है, 246 डबल एक्सेल में ही मंगाया है और इसमें तीन और पैटर्न अवेलेबल थे, लाइक किसी में हाफ स्लीव्स था, किसी में हाफ में थोड़ी सी नेट थी, हाफ सॉलिड था तो इसको भी मैं थम्स डाउन करूँगी। ये भी मैं रिटर्न करूँगी क्योंकि ये पहनने में कुछ खास नहीं लग रहा था। देखते हैं इसको मैं रख भी सकती हूँ और रिटर्न भी कर सकती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉप की तरफ। नेक्स्ट है ये ब्लू क्रॉप टॉप और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसकी स्लीव्स गाइस बहुत अच्छी लगी मुझे, ये पैटर्न आप साइड में देख सकते हो और इसका स्क्वायर नेक बहुत स्मार्ट लगा मुझे। वी नेक या स्क्वायर नेक दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं, राउंड मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और ये मुझे एक्सेल में भी थोड़ा सा लूज आ गया।
आई थिंक मुझे अगर मैं लार्ज में भी लेती तो भी मुझे आ जाता, बट मैं अपने हिसाब से एक साइज अप करके ही मंगाती हूँ कि रिटर्न करने की दिक्कत ना आए। टॉप XL 215 रुपीस, लाइक्रा ब्लू, इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल है, नेवी, रेड, ग्रीन, येलो, मरून, पीच, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, सिंपल, सोबर और एकदम सॉफ्ट इसका मटेरियल है। इसको आप जरूर जरूर कंसीडर करना गाइस। नेक्स्ट वन ये भी उसी की तरह ही है, मतलब इसका फैब्रिक भी ब्लू वाले की तरह ही है, ये भी क्रॉप टॉप है और ये मैंने डबल एक्सेल में मंगा लिया। अगर ये मुझे लगता है ये भी अगर मैं एक्सेल में मंगाती ना तो इसकी फिटिंग मुझे आ जाती, बट एनीवे डबल एक्सेल भी ठीक है और ये एक्सेल भी आई थिंक मुझे आ जाता। इसको ये मुझे ये वाला पैटर्न अच्छा लगा, एक तो ये स्लीवलेस क्रॉप टॉप था, उसमें ये रफल वाला पैटर्न, ये एकदम ऐसे लगता है जैसे कि आपने ब्लाउज पहना हुआ है। वुमेन्स समर क्रॉप टॉप कैजुअल वुमेन्स रफल बटरफ्लाई स्लीव पॉलिस्टर 247 रुपीज़ का पड़ा, डबल एक्सेल और इसमें मैरून, ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक, वाइट सारे कलर अवेलेबल थे। हाँ मैंने पिंक ही क्यों लिया, हाँ मैंने पिंक एक्चुअली एक साड़ी के साथ पहनने के लिए लिया था कि ये थोड़ा ब्लाउज वाली इसकी वो आ रही थी ना लुक, इसका ब्लाउज जैसा आया था तो मैंने सोचा कि साड़ी के साथ पहन लूँगी। गाइस सबसे 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 फेवरेट, इससे तो मेरा फोटो में देख के मुझे इतना दिल आ गया था इसको देख के, और गाइस पहनने के बाद तो भाई मैं क्या ही बताऊँ। नंबर वन इसका कॉटन फैब्रिक, नंबर टू इट्स अ पेपलम टाइप, पेपलम लाइक अगर आपकी टमी है तो आपकी टमी ये छिप जाएगी, और ये स्ट्रैपलेस, मुझे स्लीवलेस और स्ट्रैपलेस ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आती है पता नहीं क्यों, और इसमें ये डोरी भी है, इसमें फिटिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बिल्कुल आपका वेस्ट पे डोरी से आपकी ये फिटिंग हो जाएगी, इस डोरी को आप आगे भी बांध सकते हो पीछे भी बांध सकते हो, और इसकी लेंथ देख लो। और ये मैंने लिया डबल एक्सेल, और ये भी शायद एक्सेल में लेती तो भी मुझे आ जाता, और इसमें ये बांधनी प्रिंट है आपको अगर दिख रहा हो तो, और ये इतना क्यूट लग रहा है ना, इसको आप प्लाजो के साथ पहनो, लहंगे के साथ पहनो, और लेडी संगीत वगैरह में शरारा के साथ पहनो, थोड़ा सा दुपट्टा ले लो, मेकअप करो, इतना मस्त एकदम वर्सेटाइल पीस है ना, ये मेरा इतना फेवरेट पीस है ना, इसको भी मैं रिकमेंड करूँगी, लेना ही चाहिए आपको। व्यूमन स्लीवलेस टॉप रेयन स्लीवलेस डबल एक्सेल, फोर कलर्स अवेलेबल, इसमें ब्लू, ग्रीन, मरून, पिंक, और 234 रुपीज़ का पड़ा मुझे ये, और ये मेरा फेवरेट है पूरे हॉल का। नेक्स्ट मैंने एक बॉडी सूट भी मंगाया है ट्राई करने के लिए कि मीशो के बॉडी सूट कैसे होते हैं, वैसे आज तक मैंने बॉडी सूट नहीं ट्राई किए थे तो पहली बार ट्राई किया, और ये इस तरह के होते हैं, देखो गाइस कि लॉन्ग स्लीव्स है और स्क्वायर नेक है, और इसका ये जो फैब्रिक है ये लाइक जैसे टॉप का ना स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, और इसमें ये नीचे इस तरह से होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बटन की डिटेलिंग होती है, इसको आप पहनने के बाद नीचे से इसको बटन को लगा लें, और फिर ये आपका जैसे आपकी दिक्कत होती है ना अगर आप पैंट के नीचे कुछ टॉप आपके ऊपर खिसकता रहता है तो बॉडी सूट में वो दिक्कत नहीं होती है, और ये ठीक है। इसकी क्वालिटी भी इतनी कुछ खास नहीं है, मतलब लाइक बॉडी सूट तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बाकी बॉडी सूट आप स्विमिंग के लिए भी पहन सकते हैं और वैसे भी किसी भी, और इसको साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के लेकर, और इसको मैं इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मतलब ओके ओके है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत बुरी क्वालिटी भी नहीं है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, प्राइस के हिसाब से वर्थ है इसकी क्वालिटी। बॉडी सूट फॉर गर्ल्स एंड वीमेन टॉप एंड ट्यूनिक्स 174 रुपीज़ का है गाइस सिर्फ, और ये मैंने साइज एल में ले लिया, लाइक्रा है, इसमें ब्लैक, ग्रीन, लाइट ग्रीन तीनों कलर अवेलेबल थे, और ये मुझे लार्ज साइज में भी एकदम फिटिंग, आप देख सकते हो कैसी लग रही है। जो मीशो की जो टॉप्स होते हैं ना उसमें फिटिंग पर मुझे लगता नहीं जाना चाहिए, इसको ट्राई करके ही देखना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर लेती हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से टॉप में साइज अप करना है, कौन से में साइज डाउन करना है। नेक्स्ट है ये पोल्का डॉट्स, आई लव पोल्का डॉट्स, पता नहीं मैं कब से पोल्का डॉट्स मुझे पसंद है, ये देखो गाइस, एक तो ये पेपलम टॉप है, पोल्का डॉट्स है, वी नेक है, और इसमें आगे डोरी है, और इसकी स्लीव्स भी ऐसी है थोड़ी सी लूज लूज,
और स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद नहीं आएगा। आई थिंक ये सबको पसंद आएगा कि ये और येलो दोनों मेरे इतने फेवरेट है। वैसे तो सारे ही टॉप अच्छे हैं, कुछ कुछ थोड़ा ऐसे है, बाकी ये टॉप तो भी क्या बताऊँ। इसको आप इंडियन वेस्टर्न दोनों तरह से आप स्टाइल कर सकते हो। टी वेस्ट विमेंस फ्रंट टाई पेपलम पोलका डॉट टॉप 208 रुपीज़। एंड ये मुझे एक्सेल में आ गया एंड इसमें भी चार कलर अवेलेबल है, मरून, वाइट, ब्लैक। और इसका मटेरियल क्रेप मटेरियल है, क्रेप मटेरियल समझते हो, थोड़ा सा ऐसे रेशमी सा होता है। आई थिंक ज़्यादा गर्मी में नहीं पहन पाएंगे, लेकिन जब थोड़ी बहुत गर्मी है एसी में आप नॉर्मल इसको पहन सकते हैं। आई लव इट। नेक्स्ट है ये अपना, हाँ मैंने कहा मैंने पहले दोनों, एक तो बॉडी सूट और ये दोनों सेम कलर के क्यों मंगा लिए, जबकि इसमें इतने सारे कलर अवेलेबल थे। ये देखो ये क्रॉप टॉप है और गाइस इसकी स्लीव्स इस तरह की है, और इसका ये जो नेक का डिटेलिंग है ये बहुत क्यूट लग रही थी मुझे, और पीछे से ऐसा है, और यहाँ पे ये जो आपके वेस्ट पे जो फिटिंग आ जाती है ना, इससे ये बहुत स्मार्ट लगता है। तो आई थिंक मुझे ये दूसरा कलर लेना चाहिए था, या तो बॉडी सूट को मैं एक्सचेंज करूँगी या फिर इसको एक्सचेंज करूँगी, दोनों में से कोई एक एक्सचेंज करूँगी, क्योंकि दोनों सेम कलर आ गए। वैसे आजकल ये कलर बहुत चल भी रहा है। विमेंस समर क्रॉप टॉप कैजुअल विमेंस रफल बटरफ्लाई स्लीव पॉलिस्टियर है 247। ये एक्सेल में मिला मुझे, इसमें मैरून, ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक, वाइट सारे कलर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा मैंने एक ओवर साइज टी शर्ट भी मंगाई है, और वो भी मैंने एक्सेल में मंगा ली क्योंकि डबल एक्सेल अवेलेबल नहीं था, आप पहले तो ये तो मुझे लगता है आपने हर हॉल में ओवर थिंकिंग वाली मंगाई होगी, क्योंकि ये सब इसे रिलेट करते हैं, आजकल हर कोई ओवर थिंक करता है। इसलिए ये जिसने भी ये वाला मैसेज लिखा है ना, उसने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि वो ओवर थिंक करता है, और आजकल सच में सब लोग करते भी हैं, तो सब कोई ये लेता ही है। तो इससे मैंने भी इसलिए मंगा ली क्योंकि मुझे लगता है मैं भी ओवर थिंक करती हूँ। और ये डबल एक्सल नहीं, ओवर साइज नहीं है, मेरे को ये थोड़ी फिटिंग की लगी, बट मैं इसको स्टिल रख रही हूँ बिकॉज आई लव द कलर। फिर से मैंने सेम ही कलर मंगा लिया, मैंने ये कलर के तीन तीन टॉप मंगा लिए। ब्राउन ओवर साइज टी शर्ट फॉर वीमेन एक्सेल कॉटन ब्लैंड और 139 रुपीज़ की है, तो भाई रख लेते हैं गाइस। और मैंने लास्ट ईयर बहुत सी ओवर साइज टी शर्ट मंगाई थी मीशो से, और मैं अभी तक पहन रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा चाहिए नहीं थी, तो मैंने कहा यही मंगाती हूँ। बाकी टॉप मैंने बहुत दिन बाद शॉपिंग किया टॉप्स की। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो शर्ट है ये सिर्फ लार्ज में अवेलेबल थी, आप साइड में देख सकते हो, ये सिर्फ लार्ज में अवेलेबल थी, और ये मुझको मैंने इसको फंसा लिया कैसे ही, बट आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा है, बट मैं इसको स्टिल रखूँगी क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इतना सॉफ्ट कपड़ा है। पॉली जॉर्जेट मटेरियल है एंड लॉन्ग स्लीव्स है, लार्ज है, 129 रुपीज़ की है सिर्फ ये शर्ट। फैंसी ग्लैमरस वीमेन शर्ट्स, और ये इसका कलर इतना क्यूट लगा मुझे, और मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इसको रिटर्न करने का, जबकि ये मेरे साइज़ की भी नहीं है। अगर एक्सेल भी अवेलेबल होता तो मैं एक्सेल तो मुझे अच्छे से आ जाता, बट इसका लार्ज मुझे अच्छे गया। मैंने सोचा मैं इसको ऐसे ओपन करके पहन लूँगी कभी काम चलाने के लिए, क्योंकि मैंने तो सच बता रही हूँ टॉप्स मैंने इतने दिन बाद शॉपिंग किया ना, तो मेरे को टॉप्स को रिटर्न करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अब देखती हूँ, बॉडी सूट में थोड़ा सा क्वालिटी का इशू है, बाकी कलर मैंने सेम से मंगा ली, उसको मैं एक्सचेंज वगैरह करूँगी, बट मैं रिटर्न कोई नहीं करने वाली हूँ अब की बार। तो गाइस यही था, आई थिंक मैंने आपको सारे टॉप दिखा दिए। आप अपने फेवरेट टॉप को कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा टॉप अच्छा लगा, और बाकी कौन सा टॉप अच्छा नहीं लगा ये भी बता देना, ताकि उस हिसाब से मैं आगे के हॉल कंटिन्यू करूँगी। या यही था आज का वीडियो, पूरी वीडियो में आपको सीक्रेट कोड दिखा होगा, और क्वेश्चन यही है कि कितने टॉप मंगाए, इनका प्राइस और उनका नेम कलर से भी बता सकते हो, मतलब इस कलर का टॉप इतने रुपीज़ बाकी आप, और आपको पता है कि मेरे को जिस प्राइस में रिसीव हुए हैं वही प्राइस आपको बताना है, स्क्रीनशॉट वाले नहीं बताने हैं। और यार आपको पता है मई का गिव अवे चल रहा है, जो चलने वाला है 4th May से 31st May तक, और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और आई होप सारी कंडीशन आप फॉलो करें इस बार, ताकि लास्ट में आपको फिर दुख ना हो कि एक दो कंडीशन से आप रह जाते हो, तो मुझे आपसे ज़्यादा दुख होता है। तो यस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।